सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसआर रोबोटिक्स। और आज मैं लेके आया हूँ एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम विद सिक्योरिटी सिस्टम। इसके अंदर स्मार्ट फार्मिंग है जो कि हमने वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू कराई है। यहाँ पे हमने पूरा सिस्टम का डेटा जो हमारे ऐप पे आ रहा है, अभी जो डिस्प्ले है, मे बी लाइट के कारण नहीं दिख रहा होगा, ये पास में आपको डिस्प्ले यहाँ पे सारा मॉइस्चर लेवल, LDR, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, गैस, सारी चीज़ें को हमने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, ये फार्मर्स के लिए बनाया गया है, स्मार्ट है पूरा का पूरा। सारा डेटा जो है ऐप पे कुछ इस तरह से आता है, आपको दिख जाएगा। इसमें जो रेन है, बारिश हो रहा नहीं हो रहा, टेम्परेचर, ठीक है, बॉर्डर सेव है, सिक्योरिटी भी डाली हमने, कोई जानवर वगैरह कोई आ गया तो उसका अलर्ट भी इसके अंदर आया, ठीक है, किसी तरह का कोई गैस वगैरह हो ये है वहाँ पे आसपास, आग लगने का खतरा, तो वो एक तरह से उसका भी डिटेक्शन हमने इसमें डाला है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप है और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले सबसे पहले बात तो देखो, यहाँ पे पंप ऑटोमेटिक वर्क करेगा, आप इसे एज ए स्प्रिंकल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में देखो ये सेंसर है, पानी में डाला हुआ है इसलिए पंप चल नहीं रहा है। जब यहाँ का पानी सूख जाएगा, स्मार्ट फार्मिंग में देखा खेतों में पानी कम पड़ गया, तो ये पंप चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप इसमें पाइप जोड़ के पानी का फ्लो भी करा सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये हटा देता हूँ अभी, देखो पंप चालू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मॉइस्चर लेवल को कम कर देगा। डिटेलिंग देखो यहाँ पे जो आपको ऐप के अंदर दिखेगा, है ना, यहाँ पे देखो आप मॉइस्चर लेवल 2 दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे पानी में डालूंगा मॉइस्चर लेवल देखना, पंप बंद हो जाएगा, मॉइस्चर लेवल 100 हो जाएगा, मतलब पानी है वहाँ पे पूरा। मॉइस्चर लेवल देखो 72% आ गया, ऑलमोस्ट फुल हो गया, ठीक है, इसलिए पंप हमारा बंद हो गया। हम हटा देंगे, पंप चालू हो जाएगा, ठीक है, मॉइस्चर लेवल कम हो जाएगा। तो ये स्मार्ट फार्मिंग है, देखो यहाँ पे मॉइस्चर लेवल 4% पे आ गया। तो एक चीज़ तो ये होगी, इसके अलावा जैसे ही बारिश वगैरह आएगी तो उसका भी इसमें पता लग जाएगा। तो हम यहाँ पे मैं डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं आ रहा, नो ट्रेनिंग लिखा आ रहा है, ठीक है। मैं अगर पानी का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको देखना, यहाँ देखिएगा रेनिंग, देखो नो ट्रेनिंग की जगह रेनिंग वार्निंग, ठीक है, रेन वार्निंग आ गया, ठीक है। ऊपर नो ट्रेनिंग आ रहा है तो ये रेन वाला पार्ट हो गया, इसको हटा देना, सुखा लेना, ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने लेज़र वाला पार्ट बनाया, आप चाहो तो मिरर से सेट कर सकते हो, ठीक है, कि आपको यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट होता है इसमें ना, हमने ये बता रखा है कोई जानवर खेतों में घुसा है तो अलर्ट भी देगा। डेमोस्ट्रेशन के लिए हमने ये पार्ट लगाया है, ईजी पड़ता है, नहीं तो आप चारों तरफ लगा सकते हो मिरर वगैरह लगा सकते। जैसे मैं यहाँ हाथ लेके आऊँगा इंडिकेशन देगा, अभी फ़िलहाल जो इंडिकेशन है यहाँ पे बॉर्डर सेफ सेफ लिखा आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई जानवर नहीं है। जैसे मैं हाथ लगाऊँगा अलार्म बजेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो एनिमल डिटेक्टेड, ठीक है, एनिमल डिटेक्टेड का ऊपर देखो मैसेज दिख रहा है एनिमल डिटेक्टेड, दोबारा देख लो एक बार, मैं हाथ लगा रहा हूँ ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये हमने सिक्योरिटी के भी डाला है कि भाई जानवर घुस के आया तो उसका भी अलर्ट इसमें मिल जाए। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सारा का सारा इस पर शो कर रहा है, ठीक है, यही सब चीज़ें जो है डिस्प्ले पे भी शो कर रही है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी देखो 33-46 ह्यूमिडिटी है, सब का सब शो कर रहा है, पूरा वाईफाई बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमने गैस का भी लगाया हुआ है, एक तरह का किसी भी तरह का कोई गैस वगैरह लीक होती है तो उसका अलर्ट भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइटर ले रहा हूँ यहाँ पे, उससे आपको दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो ये देखो गैस है, अलार्म बजेगा, अलार्म बज गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप गैस का जो लेवल बता देगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, गैस 23 आ गया। अब ये बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है, और ठीक है मॉइस्चर लेवल, टेम्परेचर, गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और कम हो गया, 16% पर आ गया, ठीक है, ये और बढ़ जाएगा अगर आप यहाँ पर टच करोगे तो, और ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है स्मार्ट फार्मिंग का, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, इसमें सारी वैल्यूज आएगी दिखेंगे, देखो वाटर की, नॉट रेनिंग, मॉइस्चर लेवल, सेफ वगैरह सब, ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट चाहिए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसके साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, PPT, सिनॉप्सिस हम आपको सब प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। स्मार्ट फार्मिंग है, रिपोर्ट वगैरह जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, हैंडमेड लुक के अंदर ही आएगा आपको, ठीक है। लेज़र वाला पार्ट हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसको अटैच करना, कैसे चलाना, वो लास्ट में ज़रूर बता देता हूँ। सबसे पहले बात तो आपके पास ये ऐप होना चाहिए, मैं इसका API लिंक भेज दूँगा आपको डायरेक्ट जब आप हमें ऑर्डर करेंगे। इसको इंस्टॉल करना है TCP सर्वर, और इसको कनेक्ट कैसे करना वो प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात तो आपको यहाँ पर अपना वाईफाई करना है, वाईफाई पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है। तो देखो एक वाईफाई, अब ये मेरे घर के वाईफाई आ रहे हैं, ये वाईफाई जो है इस सिस्टम का है, इस सिस्टम को ऑन करना है। जैसे ये वाईफाई आ जाए कनेक्ट कर लेना, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा तभी आपको उस ऐप पर जाना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप उस ऐप पर जाना, जैसे आप इस ऐप को खोलोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको खोलोगे तो यहाँ पे तो अभी चालू है, ठीक है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ये नंबर आना चाहिए और नीचे 1234 डाल देना अगर 0 आ रहा है तो, ठीक है, तो ये आना चाहिए। इसको ये बार बार करोगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे इसमें कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, पूरा डेटा देने लग जाएगा, जैसे यहाँ पर दे रहा है ना पूरा डेटा,
ठीक है, तो ऐसे डेटा देना है, तो ऐसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। स्मार्ट फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, वाईफाई बेस्ड है, आईओटी बेस्ड है, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पीपीटी, सिनोप्सिस सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे।